कितने लोगों को शीट नंबर 64 के ऑब्जेक्टिव में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2 से लेके 3, 4 कोई भी क्वेश्चन प्लीज, जिन्होंने ट्राई किया हो। ये नहीं करना अभी, सेवन्थ रहने दें। एट्थ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, एट्थ क्वेश्चन बता देता हूँ, इसमें करेक्शन कर लेना। एट्थ क्वेश्चन में ये गिवन है, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन केस ऑफ एन आइडेंटिकल इनकोहेरेंट वेव्स इज 32 करें यहाँ पर, 32 मैक्सिमम इंटेंसिटी 32 है और इनकोहेरेंट सोर्स है, एंड ईच ऑफ इंटेंसिटी 2, हर सोर्स की इंटेंसिटी 2 है पर मैक्सिमम इंटेंसिटी 32 है। आपको ये बताना है ऐसे कितने सोर्स हैं। इनकोहेरेंट के अंदर मैंने आपको करवाया था कि टोटल इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होती है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN, यानी कि I प्लस I प्लस I प्लस I अप टू N टाइम, तो N इंटू I, तो I मैक्स की वैल्यू क्वेश्चन में मिसप्रिंट है यहाँ पर, 32 कर ले, 32 कर लेना। हर वेव की इंटेंसिटी कितनी है, 2 है, सॉल्व करके N की वैल्यू कितनी है, 16, कोई डाउट इसमें, तो 32 मिसिंग है, इसको करेक्शन कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, कितने लोगों ने किया है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार करें प्लीज, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन नीट में भी कई बार आया और मेन में भी आया हुआ है, तो एक बार चेक करें। क्वेश्चन है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास प्लेट, 25% ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अपर सरफेस एंड 50% ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर सरफेस, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस रीजन क्या है। तो लाइट है, आई नॉट लाइट है, आई नॉट इंटेंसिटी आई, ग्लास स्लैब आ गई, इस ग्लास स्लैब के अंदर एंटर कर गई, कुछ रिफ्रैक्ट हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, 25% रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट का मतलब वापस चली गई, और 25% क्या होता है, 1/4, तो आई नॉट आई, आई नॉट बाई 4 रिफ्लेक्ट होकर चली गई, बची कितनी, 3 आई नॉट बाई 4 नीचे आ गई, यहां फिर से रिफ्रैक्शन हुई, जो लाइट चली गई रिफ्लेक्ट कितनी हुई, वो कह रहे अपर सरफेस पे 1/4 है, लोअर सरफेस पे 50% है आधी, तो लोअर सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी 50% वापस चली गई, तो यानी कि आई कितनी थी, 3/4 आई नॉट, 50% कितना हुआ इसका, आधा, तो आधी वापस चली गई, 3I0/8 वापस चली गई, 3I0/8 वापस गई, रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकली, रिफ्रैक्शन में कोई लॉस नहीं है, रिफ्लेक्शन में लॉस है, ये दोनों लाइट्स ऊपर जाके इंटरफेयर हुई, कहीं स्क्रीन पे जाके आपको बताना है रेशियो ऑफ आई मैक्स एंड आई मिनिमम क्या होगा। तो एक इंटेंसिटी क्या लेंगे, I0/4, एक क्या लेंगे, 3I0/4, और आई मैक्स और आई मिनिमम का फॉर्मूला हमें आता है a प्लस बी बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पर a की जगह √I1, b की जगह √I2, यहाँ से वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि पहले रिफ्लेक्टेड कैसे निकलेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है 25% या 50% वो इंटेंसिटीज निकाल लें, फिर I1 I2 मान के इनको सॉल्व कर लें, कोई डाउट इसमें कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका आइडिया समझ में आ रहा है, क्या आइडिया है इसका। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें रिफ्लेक्शंस आपको सब गिवन होता है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 12th अभी 2 मिनट में करेंगे, 13th क्वेश्चन का आंसर दे पहले, 13th इस क्वेश्चन में ये सोर्स है और ये स्लिट्स है, यहां से लाइट गई, दोनों सोर्स से आगे निकल आई, फिर इस स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस हो गई, तो ये इंटरफेरेंस हो गई। वो कह रहे हैं जो P2 पॉइंट है, वो P2 पॉइंट मिनिमा का पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है, यानी कि डार्कनेस है, यानी कि क्रेस्ट यहाँ पे ट्रफ से कैंसिल हो रहा है। अब किसी ने क्या किया, P2 पे जाके पिन मार दिया ताकि लाइट बाहर निकले, और आगे फिर से इंटरफेरेंस दिखा दी, दो स्लिट और रख दी, तो वो पूछ रहे क्या यहाँ पे इंटरफेरेंस देख पाओगे, या फिर यहां पे ब्राइटनेस नहीं थी, डार्कनेस थी, तो लाइट बाहर निकलेगी नहीं, इसलिए इंटरफेरेंस होगी नहीं। बोलो क्या बोलते हो, इंटरफेरेंस होगी कि नहीं होगी, यहां पे इंटरफेरेंस आगे होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपने डार्कनेस पे पिन मारा,
होल जो है वो डार्कनेस में किया तो इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगी, बोलो हाँ या ना? नहीं हो पाएगी या हो पाएगी? डार्कनेस में तो स्क्रीन पे पहले लाइट नहीं थी, तो उसमें होल मारने से क्या लाइट बाहर आएगी? आएगी। आंसर इंटरफेरेंस होगी। यहां से लाइट बाहर निकलेगी, डार्कनेस का मतलब ये नहीं है कि वहां पर लाइट नहीं गिरी थी, डार्कनेस का मतलब है कि उस पॉइंट पी पे पूरा क्रेस्ट पूरे ट्रफ को कैंसिल कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप ये होल करोगे वो क्रेस्ट ट्रफ आगे आगे मूव करेंगे, लाइट एनर्जी तो आगे जाएगी जाएगी, ठीक है, वो उस इंस्टेंट के ऊपर कैंसलेशन हो रही है, वैसे कैंसलेशन नहीं हो रही, तो आपकी लाइट आगे जाएगी और इंटरफेरेंस शो करेगी। तो कह रहे देयर वुड बी अ रेगुलर टू स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न देखा जाएगा आपके। तो ये ना सोचना कि डार्कनेस में होल कर दिया तो वहां से लाइट बाहर निकलेगी, नहीं, बिल्कुल निकलेगी। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक। इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन रिपीट है, किया हुआ है, दो वेव्स हैं वाई वन वाई टू, एम्पलीट्यूड ए वन ए टू, इसका एंगल पता है बीटा वन बीटा टू की फॉर्म में कह रहा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेव्स। दोनों के बीच में एंगल क्या है? इस एंगल में से इस एंगल को क्या कर दिया? माइनस। आंसर तो ये आंसर आएगा इसका, क्योंकि इस एंगल में से इस एंगल को क्या करना पड़ेगा? माइनस। कोई डाउट इसमें? तो ए ऑप्शन मार्क कर लेना। जैसे दो बीम ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी आई एंड फोर आई स्क्रीन के ऊपर गिरती हैं, तो फेज डिफरेंस इनके बीच में पाई बाय टू है, ए किसी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर पाई है, तो डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज ए एंड बी क्या होगा? तो ए पॉइंट पर इंटेंसिटी फाई क्या होगा? पाई बाय टू। बी पॉइंट पे क्या होगा? पाई, क्योंकि एक पाई बाय टू एक पाई, वैल्यू पुट करके आई वन आई टू आ गया। वो कह रहे डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटीज क्या होगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो भी दो केस में आई दोनों को माइनस कर लेना, आंसर क्या आएगा? 4π। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये डिफ्रैक्शन ये नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18, मतलब ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के अंदर आपको रेगुलर मिलने वाले हैं। इसमें एक ट्रिक है, बताता हूं क्या ट्रिक है, आप क्वेश्चन पढ़ लें प्लीज पहले। देखो क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल रेडिएटर्स, दो सोर्स है मतलब कि, हैव अ सेपरेशन ऑफ डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई फोर। वो कह रहे हैं कि इनके बीच में स्मॉल डी लैम्डा बाई फोर है। अब आगे, द इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन दी सोर्सेज पाई बाई फोर। ये इनिशियल फेज डिफरेंस क्या होता है? इनिशियल का मतलब है जब दो वेव निकली, दो सोर्सेज में से निकली, तो दो सोर्सेज में से निकलते उनका फेज डिफरेंस पाई बाई फोर है, मतलब दो सोर्सेस फेज के मामले में आइडेंटिकल नहीं है। नॉर्मली अगर क्रेस्ट निकालती है दूसरी भी क्रेस्ट निकालती है, पर ये इसमें ऐसा हो नहीं रहा, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? फेज डिफरेंस कितना है इनके बीच में? पाई बाय फोर इनिशियल। अब वो कह रहे हैं इंटेंसिटी बताओ स्क्रीन पे क्या होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी अगर ये पॉइंट 30 डिग्री पे प्लेस्ड है। अब यहां पर ना लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, पहली ये बात समझ नहीं पाते कि पाई बाय फोर क्या है। ये इनिशियल फेज डिफरेंस है, अभी तो वेव निकली भी नहीं थी, निकलते ही पाई बाय फोर क्रिएट हो गया, और अभी तो वो ट्रेवल भी करेंगी तो फेज डिफरेंस यहां भी क्रिएट होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि कई लोग ये सोच लेते हैं कि यहां पर थीटा कितना है? 30 डिग्री, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं 4i0 cos² 5/2, 5 = 30 डिग्री। गलत है, ये 30 डिग्री का एंगल है क्या? 30 डिग्री का एंगल है, अगर आपको याद हो मैंने आपको एक फेज डिफरेंस निकाल पाथ डिफरेंस निकालने के दो तरीके बताए थे। पहला तरीका तो एक्स डी बाई डी था, और दूसरा ये था कि अगर आपके पास ये दो सोर्सेज हैं और ये स्क्रीन है, ये ऐसा डायग्राम था, इस डायग्राम में ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से ये जो एंगल मैंने आपको लेने को कहा था वो क्या था? थीटा। और याद करो ये भी एंगल क्या था? थीटा। और अगर ये डी है तो ये क्या था? डी साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस निकालने के दो तरीके थे। पहला तरीका क्या था? स्मॉल पाथ डिफरेंस क्या था? स्मॉल एक्स डी बाई डी।
और दूसरा तरीका क्या है, डी साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? ये याद रखना, भूलना नहीं है। अब थीटा का मतलब फेज डिफरेंस नहीं है, थीटा का मतलब है इस पी पॉइंट ने कितना एंगल बनाया वो थीटा है। तो पी पॉइंट का एंगल थीटा है। अब ये आपको 30 डिग्री गिवन है, तो अगर ये 30 डिग्री गिवन है तो पाथ डिफरेंस कितना है, डी साइन 30, ये 30 है। तो पी पॉइंट ने कितना एंगल बनाया, ये वो थीटा है, और मुझे क्या निकालना है यहां पर, फाइव। फाइव समझते हो, इनका फेज का डिफरेंस, क्योंकि ये अलग अलग रास्ते ट्रेवल कर रहे हैं तो इनमें फेज का डिफरेंस होगा, वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए काम करते हैं, सबसे पहले रिजल्टेंट इंटेंसिटी मुझे पता है फॉर्मूला क्या लेगी, 4i0 cos² 5/2, ये तो समझ में आ रहा है, और मेरे को रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है। और इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, दोनों वेव्स का पी पॉइंट पर फेज का डिफरेंस। तो अगर मैं पी पॉइंट पर फेज का डिफरेंस निकालूं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो पी पॉइंट पर फेज का डिफरेंस कैसे निकलेगा, जैसी दो लाइट निकली तो पाथ का फेज डिफरेंस एक तो वैसे क्रिएट हो गया, कितना, पाई बाय फोर, बात ही खत्म। और दूसरा पाथ डिफरेंस कितना होता है, डी साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस अगर डी साइन थीटा है दो वेव का, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू होगी 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, क्योंकि हमने फॉर्मूला किया था फेज डिफरेंस की। अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है और आपको फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस पता है, 2π/λ से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, फेज डिफरेंस। आपको थीटा 30 डिग्री पता है, आप यहां पर 30 डिग्री पुट करके क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि दो वेव ने अनइक्वल रास्ता कवर किया। और ये फेज डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि दो वेव निकलते ही फेज डिफरेंस क्रिएट कर गई पाई बाय फोर। तो एक तो निकलते ही हो गया और एक रास्ते की वजह से हो गया, तो कुल मिला के टोटल फेज डिफरेंस कितना हो गया, मिला के पाई बाय टू। अब पाई बाय टू हो गया, अब फाइव की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाय टू बाई टू पाई बाय फोर, सॉल्व करके आंसर। तो ये ट्रिक समझ में आ रहा है कि थीटा, अगर कोई पी पॉइंट थीटा एंगल बनाता है तो पी पॉइंट का पार्ट डिफरेंस सीधा डी साइन थीटा हो जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस आ जाएगा और फेज डिफरेंस से आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ये थीटा की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत से लोग पेपर के अंदर कुछ ना करेंगे, वो यहां पर उठा के 30 पुट कर देंगे, मेरी पूरी गारंटी, और कहेंगे आंसर गलत आ गया। आंसर अपना गलत आएगा, क्योंकि थीटा यहां पर फेज डिफरेंस है ही नहीं, थीटा यहां पर पी पॉइंट का एंगल है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। 12th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, वो टॉपिक पहले करेंगे फिर 12th करेंगे।